अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यार आज आते ही मैंने अपनी जो सी वाइट मुर्गी है सील हीरा, इसको ओपन किया, इसको खोल दिया और इसके माशाल्लाह से बच्चे भी देखो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ग्रे बच्चे हैं और बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। तो यार इन्हें भूख तो अच्छी खासी लगी हुई है, इन्हें अच्छी खासी भूख लगी हुई है भाई, अच्छी खासी भूख लगी हुई है। और माशाल्लाह से ये हमारे पिजन घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो यार अब आप लोग बताएं कि हम कौन सा कबूतर का जोड़ा लेके हैं जो माशाल्लाह से अच्छा भी हो, प्यारा भी लगे, फैंसी भी हो, जो आप लोग बेहतर जानते हो गाइड करें, हमें कमेंट में लाजमी बताएं, फिर इंशाल्लाह हम वो भी पेयर रखेंगे। इधर आप लोग देख सकते हैं कि आवाज़ें आ रही हैं कि भाई हमें भी खोलो बाहर, तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि इधर क्या है। ओए 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 ओए। चलो 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 चलो, तो यार माशाल्लाह से हमारे तो ये देसी मुर्गियों ने आते ही हल्ला बोल दिया है, तो मजबूरन मुझे फिर मुर्गी को बंद करना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि ये इतना आपस में लड़ते हैं भाई। आ जा भाई। तो यार ये हमारे सेटअप की यहाँ ना शान है, माशाल्लाह से आपने देख तो लिया है कैसा ज़बरदस्त माहौल है। मुझे लगता है कि एक मुर्गी अभी अंदर है। ओ यार ये मुर्गी नहीं, इधर तो चूजे हैं माशाल्लाह से। यार ये देखो दो छोटे छोटे चूजे। चलो घूमो फिरो मज़े करो। इनके लिए मैं बाजरे का यहीं पर इंतज़ाम करूँगा, थोड़ा सा इनके लिए बाजरा लेके आऊँगा ताकि ये लोग खाएँ और मज़े करें। बाहर नहीं आना भाई। ये मारने आ रहा है यार, ये जो हमारा था ना मुर्गा, ये हमारे कबूतरों को भी मार रहा था, तो लिहाजा हम कबूतरों को बंद कर देते हैं। यार इनके माशाल्लाह से छोटे छोटे से दो बच्चे हैं, तो कबूतर को हमें मजबूरन बंद करना पड़ेगा। और थोड़ा थोड़ा सा बाजरे इनको दे देते हैं। यार ये बाजरे इनको दे देते हैं थोड़ा। ये देखो आप लोग कह रहे थे ये क्या चीज़ है, तो भाई ये हाईली न्यूट्रिएंट हमारे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चला बस करो, बहुत है इतना बाजरा। तो भाई अब ये थोड़ा सा बाजरा मैं इनको भी डालूंगा, खैर ये भी बेचारे भूखे हैं ताकि ये भी खा पी लें। वो देखना उसे लगा कि यार खाने पीने की कोई चीज़ है, तो यार उनको भी बाजरा डाल के आता हूँ मैं, आखिर भूख तो सबको लगती है ना यार, भूख तो सबको लगती है। ये बाजरा मैं डालूंगा अब हमारे उन मुर्गियों को जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं चूजे। अब ये बाजरा तुम्हारा है, चलो। ये देखो यार ये आ गया फौरन से पास, इन्होंने कहा भाई नहीं 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 नहीं, तो यार इनको बेचारे काफ़ी भूख लगी हुई है। चलो भाई खा लो खा लो खा लो, मज़े करो यार मज़े करो, मेरे होते हुए याशियाँ करो। अब बारी है हमारी गोल्डन मुर्गी की, चलो तुम भी खाओ अपने बच्चों को खिलाओ। मुझे लग रहा है कि जो हमारी देसी मुर्गियाँ ना, इन्होंने जाके इधर हल्ला छल्ला बोल दिया दाने पर, लेकिन नहीं यार बचत हो गई है। ओए हो वो देखो वो देखो, वो कबूतरी जो उनसी है वो मुर्गियों को अपने पास नहीं आने दे रही, उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे ही इसके बच्चों को मारेंगे तो लिहाजा उसने कहा परे परे हो जाओ, आज जाने नहीं देगा। वो देखो बाकी ये सारे पता क्यों डर रहे हैं, क्योंकि वो जो उनसी कबूतरी है वो उड़ने वाली कबूतरी है, वो मकसद कहने का है कि ये फैंसी है, तो वो लड़ाई वाली कबूतरी है। जी तो गाइस कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।